तो आपको बताएं कि कल आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। राज्यों से दिल्ली पहुंच चुका है बैलेट बॉक्स और कल 11 बजे से शुरू होगी मतगणना। दोपहर तक साफ हो जाएगा, यानी तस्वीर साफ हो जाएगी। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा में मुकाबला है, आंकड़ों का पूरा खेल है। अब ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के बाद किस तरह की तस्वीर निकल कर आती है ये कल पता लगेगा। यानी आपको बता दें कि तमाम राज्यों से दिल्ली पहुंच चुका है बैलेट बॉक्स। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कल का इंतजार और ये देश को अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा? बिल्कुल पायधी, लगभग कल 3 बजे के बाद नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे से मतगणना शुरू होगी। हालांकि शुरुआत में सब जो पेटियां खोली जाएगी वो सांसदों की खोली जाएगी और जो रिटर्निंग अफसर हैं वो मतों को जांच करेंगे कि कौन सही है और इसे खारिज किया जाएगा। थोड़ी भी गलती होती है, खामियां होती है तो उसे खारिज कर दिया जाता, जैसे पिछली बार हुआ था कि लगभग 1 दर्जन सांसद और लगभग 50 से ज़्यादा विधायकों के वोट जो थे वो खारिज कर दिए गए थे। तो इसकी पहले प्रक्रिया होगी, उसके बाद राज्यवार खोला जाएगा और सभी मतों की जांच करने के बाद फिर सांसदों के वोट गिने जाएंगे और 2 ट्रे रखा जाएगा, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के। और जो वोट जिसके पड़े हैं उसमें सभी वोट जो लिस्ट है उसमें रखा जाएगा और जांच फिर की जाएगी और इसकी मतगणना की जाएगी। माना जा रहा है कि 2:30-3 बजे के करीब जो 50%+1 जो एक क्राइटेरिया है जो जीत के लिए जरूरी होता है उसका कम से कम उस समय तक ये आंकड़े आ जाएगा। तो एक लमसम ये हो जाएगा कि 3 बजे के आसपास किसके पास वोट है और पूरे नतीजे आने में 4 या 5 बज सकते हैं।